हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दितिमन। आरपीएससी की ओर से एक और रिजल्ट आया है लेक्चरर का, जिसमें अर्थशास्त्र विषय के पदों के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसका रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। कुछ ही समय पहले जो है ये रिज़ल्ट आया है और यहाँ पर जो है वो आप आसानी से रोल नंबर जो है वो देख सकते हैं। यदि आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना रोल नंबर देखिए। उसके बाद जो है वो हम बात करेंगे कट ऑफ की, कि कितनी कट ऑफ जो है वो इकोनॉमिक्स की गई है। तो कुल जो है यहाँ पर 142 कैंडिडेट जो हैं इनको सिलेक्ट किया गया है, यानी कि इन्होंने एग्ज़ाम को पास कर लिया है और अब इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। कट ऑफ मार्क्स की अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की जो है वो कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा है। जनरल की अगर हम बात करें 327.17 गई है, वहीं ईडब्ल्यूएस की 305.18 गई है, एससी कैटेगरी की 272.62, एसटी की 258.34 गई है, वहीं ओबीसी की 310.11 गई है, एमबीसी की 294.26 गई है। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिज़ल्ट रहा है। तो यदि इकोनॉमिक्स में जिन बच्चों का यहाँ रोल नंबर है, बहुत बहुत बधाई उन बच्चों को। और अब जो है आगे की जो कार्रवाई है आप लोगों की डॉक्यूमेंट को तैयार करने की, तो सबसे पहले जो है वो अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करने में लग जाएं। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा तो काफ़ी अच्छी सैलरी और काफ़ी अच्छी लाइफ जो है उनको मिलेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।